नमस्कार, हम सरकारी माध्यमिक स्कूल भीमपुर दमन के छात्र हैं। हमारे रोल प्ले का नाम है व्यसन मुक्ति। विनर बेटा, ओ विनर बेटा, कहाँ है? जरा मेरे पास तो आ। जी बापू, आया। आपने मुझे बुलाया? हाँ। आपको कुछ काम है? जाकर पॉइंट बाय की दुकान से शिमला लाके दे। ओहो, शिमला। शिमला तो बहुत बड़ा शहर है, वो प्रिंट बाय की दुकान में कैसे समझ सकता है? अरे बेटा, वो शिमला की बात नहीं कर रहा हूँ। तो कौन से शिमले की बात कर रहे हो आप? गुटका, विमल, मारेचो, ये शिमले की बात कर रहा हूँ। ओहो, ये शिमले मैं भी लाके देता हूँ। प्रिंट काका। हाँ बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे शिमला चाहिए, बापू ने मंगवाया है। ओह शिमला, अभी देता हूँ। हाँ ये रे, ये लो। लो बापू, मैं ले आया। दो। चल हम विद्यालय चलते हैं। हाँ हाँ। अरे ये क्या है? ये तो शिमला है, मेरे बापू का है। कितनी अच्छी दिखती है ना, जरा मैं भी चख के देखता हूँ। कैसी है? बहुत अच्छी है। कल मैं जब बापू के लिए लेने जाऊंगा ना, तब उसमें से एक निकाल लूंगा और घर जाके बोलूंगा कि रास्ते पे कहीं गिर गई है। उसमें क्या होता है? उसका स्वाद कैसा होता है? मुझे नहीं पता, मेरे बापू खाते हैं इसलिए मैंने भी खा ली। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तो मुझे भी चखनी है। हाँ हाँ चलो, हम प्रवीण काका की दुकान से लाके खाते हैं। नाना, अभी तो विद्यालय का समय हो गया है, गुरुजों में डांटेंगे और शिक्षा भी करेंगे। तो चलो विद्यालय ही चलते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते बच्चों, बैठ जाओ। अभी मुझे तम्बाकू की तलब लगी है, पर इन बच्चों के सामने कैसे खाऊं? चलो चलो बच्चों, आज हम इतिहास पढ़ेंगे। गुरुजी कौन सा पाठ? नहीं नहीं बच्चों, किताबों की जरूरत नहीं है, किताबें बंद कर दो। ये क्या है बच्चों? तम्बाकू की पड़की। नहीं नहीं बच्चों, ये तम्बाकू की पड़की नहीं, ये हमारा अखंड भारत देश है, पूरे पूरा अखंड भारत देश। कुछ गद्दारों ने मिलकर इनके दो भागों में विभाजित कर दिया और कुछ लोग इनमें से सिरक गए। ये क्या है? चूने की पड़की। नहीं नहीं बच्चों, ये चूने की पड़की नहीं, ये गोरे गोरे अंग्रेज है, गोरे गोरे अंग्रेज। तुम्हें पता है हमारे देश में कितने अंग्रेज आए थे? नहीं पता। मुट्ठी भर। इन दोनों के बीच में ऐसी रंगत चली कि खचा खच, खचा खच। कितने लोगों को तो मारा पीटा, फिर भारतीयों का शोषण कर करके उनको 32 साल के जेल के पीछे लगा दिया। देखो बच्चों, अभी हमारे देश में कई ऐसे गांव हैं जहाँ कुछ लोग धूम्रपान करते हैं और तंबाकू भी खाते हैं, पर बच्चों उन्हें ये पता नहीं कि ये सब पीने से और खाने से हमें कैंसर हो सकता है। पर बच्चों अभी तुम छोटे हो, तुम लोगों को इन गंदे व्यसनों को छूना भी नहीं चाहिए, और जो लोग धूम्रपान करते हैं और तंबाकू खाते हैं उन्हें भी रोकना चाहिए, समझे ना? जी गुरुजी। चलो बच्चों, आज बस इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। आज विद्यालय जल्दी खत्म हो गया ना? हाँ। चलो चलो, फ्रेंड काके की दुकान से पड़की लाके खाते हैं। नाना, गुरुजी ने तंबाकू खाने से, बीड़ी सिगरेट पीने से हमें मना किया है, कहा है कि उसे कैंसर भी हो सकता है। देखो ना गुरुजी का आधा चमचा। कितने गुरुजी लोग तंबाकू खाते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं और छात्रों को खाने की मना करता है, ये तो कैसे न्याय है और कहाँ का न्याय है? इससे थोड़ा कैंसर होगा। चलो चलो, हम सब फ्रेंड की दुकान पे चलते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। प्रेम काका, हमें 1 रुपए वाली पड़की दो ना। 1 रुपए वाली पड़की तो बहुत सी आती है, गोवा, शिमला, विमल, माणिक केंद्र, तुम लोगों को कौन सी चाहिए? चलो हम तो गलत गलत पड़की चखते हैं। लेकिन प्रेम काका, मुझे चना चाहिए। और देखो ना गुरु जी का आधा चमचा चने वाला। प्रेम काका, मुझे विमल चाहिए। और मुझे माणिक चंद चाहिए, ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद। अच्छा बच्चों, अभी देता हूँ, ये लो विमल, ये लो। चलो वीरा बेटा, ओ वीरा बेटा, मुझे गले में दर्द हो रहा है। क्या आपको गले में दर्द हो रहा है? मैं अभी आपको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ।
डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरे पिताजी कब से गले में दर्द हो रहा है, आप जरा जांच कीजिए ना। हाँ, आपको कितने दिनों से गले में दर्द हो रहा है? 10 दिनों से। हाँ चलिए, तो मैं आपकी जांच कर लेता हूँ। जरा अपना मुंह खोलिए तो, और जरा और जरा। डॉक्टर साहब, आपका क्या गला में बैठकर देखना है क्या? अरे मुझे अपना काम करने दीजिए। अरे आपके मुंह में तो सड़न हुई है, क्या आप धूम्रपान करते हैं और तंबाकू खाते हैं? हाँ, कई सालों से। हाँ, तो मुझे पहले आपकी एक्सरे निकालनी होगी और कुछ जानकारियां भी लेनी पड़ेगी। हाँ तो चलिए, पहले मैं आपकी एक्सरे निकाल लेता हूँ। अरे आप में तो मुझे कैंसर के लक्षण दिख रहे हैं। क्या मुझे कैंसर के लक्षण दिख रहे हैं? हाँ, और आपने ख्याल ना रखा तो आपको कैंसर भी हो सकता है। अरे बाप रे, मुझे कैंसर हो गया तो मैं मर जाऊंगा। आज से तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट कुछ नहीं पीऊंगा। मुझे जीना है, मुझे बचाओ, मुझे जीना है। अरे दोस्त, क्या तुझे पता है? क्या? मेरे पिताजी को कैंसर के लक्षण है और उनको कैंसर भी हो सकता है। ये कैसे हुआ? कैंसर तंबाकू और गुटखा खाने से होता है और धूम्रपान करने से भी होता है। तो विरल किशोर, आपको भी कैंसर हो सकता है क्योंकि तुम लोग भी तंबाकू खाते हो। ना ना, हमको कैंसर नहीं चाहिए। कैंसर से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम सब डॉक्टर के पास जाकर उसकी जानकारी लेते हैं। हाँ, चलो चलो। डॉक्टर साहब, ये मेरे दोस्त है, ये तंबाकू का सेवन करते हैं, क्या इन लोग को कैंसर हो सकता है? हाँ, जो कोई धूम्रपान करता है और तंबाकू खाता है उसे जरूर कैंसर होने का खतरा रहता है। डॉक्टर साहब, तो हम तंबाकू खाना छोड़ देंगे तो? देखो बच्चों, अभी तुम छोटे हो और पढ़ाई भी तो करते हो, तुम्हें अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में रखना चाहिए। इन गंदे व्यसनों को छूना भी नहीं चाहिए। और जो लोग धूम्रपान करते हैं और तंबाकू खाते हैं उन्हें भी समझा कर रोकना चाहिए, समझे ना? हाँ हाँ डॉक्टर साहब, आज से हम कभी तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे और जो लोग खाएंगे उनको भी हम रोकेंगे। शाबाश, ये हुई ना बात। आज से मैं तंबाकू बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। अरे बच्चों, आजकल तुम क्यों नहीं दिखाई देते हो? ये पड़किया तुम्हारा इंतजार कर रही है। अरे प्रेम काका, आप इतने बड़े होकर ये तंबाकू जैसी गंदी चीजें बेचते हो, आपको शर्म नहीं आती है क्या? शर्म करो, शर्म करो, और ये धंधा छोड़कर कोई दूसरा धंधा शुरू करो, नहीं तो ये दुकान ही बंद कर दो, इससे कई लोगों की जान को खतरा है। अच्छा बच्चों, अब से मैं ये धंधा बंद कर दूंगा और कोई नया धंधा शुरू करूंगा जिससे कैंसर का कोई खतरा नहीं रहेगा। दो सप्ताह के बाद आज विद्यालय जल्दी चलते हैं, नहीं तो गुरुजी कल की तरह डांटेंगे। आओ बच्चों, सिंचन है, पेपरमेट और बिस्किट खाओ। मुझे जाने दो, और मुझे मूंगफली दो, और मुझे बिस्किट दो। हाँ अच्छा बच्चों, अभी देता हूँ, ये लो। आज से हम लोगों को कैंसर का कोई भी खतरा नहीं है, है ना दोस्तों? हा 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 हा। मैं वाली होने के नाते प्रतिबंध बनता हूँ कि अपने संतानों के खातिर ये व्यसनों से दूर रहूंगा। जागो समाज, जागो, तुम लोग भी ये व्यसनों से दूर रहो और अपनी अमूल्य जिंदगी को सही तरीके से जीवो। आओ हम सब मिलकर ये प्रण करते हैं कि नशा नाश करो, नशे से दोस्ती नहीं, नफरत करो, नशे को कहो अलविदा, धूम्रपान